प्रातः क्लास चल रहा था 17/9/1964 गुरुवार छठे पेज के मध्याद में बात चल रही थी। कैसे कैसे केस होते रहते हैं, किसी को दबाव में लेते हैं तो बोलते हैं अभी हम पुलिस में जाते हैं, और वो जाने में भी देरी नहीं करते हैं। तुम अब लाए बच्चियां अखबार तो कुछ पढ़ती नहीं हो, और फिर बाबा तो हमको बताते भी हैं, बोलते हैं चलो तुम बच्चों को साक्षात्कार करावे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा काम होता है, भक्तों का भी हम दिखलावे, चोरों का भी दिखलावे कि कैसे उनको सताते हैं। ऐसे थोड़े ही है कि गवर्नमेंट कोई अंतर्यामी है जो उनको मालूम पड़े कहाँ क्या चीज है। ये सब एक दो के ऊपर चुगली मारते हैं। ये फलानी जगह जाते हैं, इनके पास बहुत माल है, ट्रेन में ले जाते हैं, ऐसे बताए करके फट से उनको पकड़ाई देते हैं। ऐसे नहीं है कि कुत्ते बिल्ली हैं सो जा करके पकड़ते हैं। अरे ये क्या, कितने कुत्ते बिल्ली इनको चाहिए जो अभी बैठ करके चक्कर लगाएंगे, इतना करेंगे नहीं। ये समय ही ऐसा है, कोई का भी छिप नहीं सकता है। तब तो कहा जाता है ना, किनकी राजा खाए किनकी चोर हरिभजन, किनकी सारे बाह सफल थी दशा जो खर्चे नाम धनी पर। कि धनी आए हुए हैं, स्वर्ग की स्थापना कराने के लिए जो जो उनके मददगार बनेंगे उनका तो सारा सेफ हो जाएगा। तो अभी जानते हो ना, वो बेचारा क्या मदद लेंगे, बाप तो बोलते हैं मैं क्या मदद लूंगा यहाँ, बाकी इतना जो ढेर का ढेर धन है ये क्या होगी इनकी मिल्कियत, सारी दुनिया में कितनी मिल्कियत है, कितना सोना होगा, कितने हीरे जवाहरात होंगे, और सबके पास है तो बहुत ना, साहूकारों के पास तो बहुत ही है, पर वो लेकर के कहां जाएंगे।
फिर देखो तुमको तो इनकी भी परवाह नहीं है, तुम ऐसे मत समझो जैसे राज लोग होते हैं ना, जैसे गजनवी गजनी वाला आया आकर के मंदिर को लूटा, तो था ना लुटेरा, लूट लिया उनको। तुम जो हो तुमको थोड़ा ही कोई परवाह है, तुमको यहाँ बैठ करके लूटेंगे पूटेंगे थोड़े ही, तुम्हारे लिए जो भी खानियां हैं जहां से हीरे निकलते हैं वो सब तुमको नए नए मिलेंगे। सोने की खानी तुमको सब नहीं मिलेगी, तुमको जितना चाहिए उतना ले सकते हो, तुम्हारे लिए कोई देरी थोड़ी ही होगी। फिर भी ये जो पड़े रहे हैं जैसे कोई पत्थर कहाँ पड़ा रहे, तो हम पत्थर चल कर ले लेंगे, नहीं तो मुझे खोदना पड़ेगा ऐसे कहेंगे ना। तो जो पड़े हुए हैं वो भी तुमको मिल जाएंगे, वो तुमने देखा है साक्षात्कार किया है कि कैसे तुम अपना एरोप्लेन में ये सोना गुफाओं में जो पड़ा है वो कहाँ जाएगा। 1764 की वाणी का 7वां पेज, तुम्हारे लिए तो वंडर है क्योंकि सब कुछ एकदम इजी है। सोने की महल बनेंगे जैसे ये ईंटों की महल बनती है, और तुम ऐसे ही वहां महल बनाते रहेंगे। साहूकार सोने के, गरीब चांदी के, क्योंकि प्रजा भी तो बनाएगी ना। जो धनवान प्रजा बनती है वो भी तो सोने की बनाएगी। ऐसे मत समझो कि राजाएं ही सोने की बनाती हैं, प्रजा भी सोने की बनाती है जो बहुत साहूकार होते हैं, और जो पूरे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। बाबा तो सब कुछ अच्छी तरह से बताते रहते, और बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम भूख मरो, अपने बच्चों को न संभालो, नहीं, अपने बच्चों की भी पूरी संभाल करनी है। फर्स्ट तुमको बच्चों का देखना, क्योंकि तुम उनके क्रिएटर हो ना, तो तुम्हारा फर्ज है उनकी अच्छी तरह से पूरी संभाल करना, क्योंकि उनको दुखी नहीं करना है। भूख नहीं मारना है, क्योंकि बाप होता है ना, वो तो जानते हैं ये भी तो बच्चे हैं ना, इनको बाप को संभाल करना है, इनको भी तो संभाल करनी है ना। ये तो सबका बाप हो गया ना,
और फिर रहमदिल भी है। ऐसे कभी किसी को दुखी नहीं करो। देखो कितने दुखी होते हैं, इसलिए तो यहाँ आते हैं ना, वो जानते हैं कि फेमिन पड़ेगा, ये बेचारे बहुत दुखी होंगे। ये दुख इतना नहीं सहन करेंगे, त्राहि त्राहि करेंगे। जब ये ऐसी त्राहि त्राहि होती है, उसके बाद फिर सभी जय जयकार हो जाती है, सबको सुख मिल जाएगा ना। सभी आत्माएं जो शांति चाहती हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, उन सबको वहां भेज देंगे सभी दुखों से छुड़ाने के लिए। बाप तो आते ही हैं, गाया हुआ है दुखहर्ता सुखकर्ता। सुख दो प्रकार के हैं, एक शांति धाम में रहना और एक सुख धाम में रहना। कोई भी दुख की बात नहीं, क्योंकि शांति धाम में भी सुख है शांति का, और सुख धाम में सुख भी है तो शांति भी है, पवित्रता भी है। यहां तो देखो दुख है ना, तो बाप कहते हैं कल्प कल्प जब ऐसा होता है, ऐसी हालतें होती हैं, कलयुग का अंत होता है और मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, खाने को भी नहीं मिलता है, बिचारों को पत्ते भी खाने को नहीं मिलते हैं, मेरा पार्ट भी उस समय में है, क्योंकि ड्रामा है ना, फिर भी जरूर जब कलयुग का अंत होगा और मनुष्य बहुत दुखी होते हैं, तब ही मेरा नाम पड़ा हुआ है ना, दुखहर्ता सुखकर्ता या शांतिदाता सुखदाता। क्योंकि शांतिदाता और सुखदाता तो परमात्मा को कहेंगे ना, कोई साधु संत महात्मा को नहीं कह सकते हैं। और सो भी सर्व का शांतिदाता, सर्व का सुखदाता। अभी तुमको तो अनुभव है, तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा सहित सबको शांति देते, क्योंकि तुम शांति में रहते हो। देखो शांति में रहेंगे तो दान देते हो ना, तो जो जो जितना शांति का दान देगा, अर्थात याद में रहेगा। अच्छा फिर हम नॉलेज भी देखते हैं सुख के लिए, तो देखो तुम शांति दाता सुख दाता की बच्ची निमित्त बनी हो। तुम बच्चों को शो करना है माता पिता का, तो जितना जितना जो जो शो करेंगे, जितना जो किसको सुख का मार्ग और शांति का मार्ग बताएंगे,
उनको बहुत इजाफा मिलेगा। तुम सब हो ही गाइड्स, अमेरिका से आते हैं, विलायत से आते हैं, तो गाइड लेकर के आते हैं। तुम लोग विलायत में जाते हो तो गाइड लेंगे ना, जो तुमको सब कुछ दिखलावे। तो बाबा देखो तुमको कितना बतलाते हैं, कितना दिखलाते हैं, परंतु ये क्या दिखलाते हैं, ये सभी नई बातों की बातें सुनाते हैं, नई दुनिया। यहां संदेशियों ने कभी जर्मनी नहीं देखी है, तो इनको जर्मनी भी बता देते हैं। '1764 की वाणी का 8वां पेज, तुमको ले जाते थे जर्मनी में, बारूद कहाँ बनती है, फलाना क्या है, गुफाएं क्या है। तो देखो तुमको पुरानी और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और कोई थोड़ा ही होगा जो तुमको पुरानी और नई दुनिया का साक्षात्कार कराए, इसके सिवाय और ही तुमको जास्ती साक्षात्कार कराएंगे। किनको? बाबा बोलते हैं जो बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी। शैतानी दिल पर कोई साहब थोड़े ही राजी होंगे, ये बाबा बता देते हैं कि शैतानी दिल पर बाप कभी राजी हो तो बेचारा धोखा खा करके मरता जाए। बाकी जो तुम होंगे पिछाड़ी में, तो तुम बहुत कुछ देखेंगे। लड़ाई देखेंगे, कैसे वो मरते हैं, कैसे उनके सभी लड़ाई का सामान बर्बाद हो जाएगा। जो अभी तैयार हुआ पड़ा है तो तुमको साफ दिखाएंगे। पुरानी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, फलाना फलाना, वहां क्या होता है, सब तुमको दिखाएंगे। बाबा ने कहा है कि शुरू में भी तुम बच्चों को बहुत कुछ दिखलाया है, अभी तो वो भी नहीं है ना। कितना प्रोग्राम्स आते थे, कितने तुम पहाड़ बनाते थे, बैकुंठ बनाते थे, शादियां दिखलाते थे, बारात निकलती थी, कितने कितने साक्षात्कार करते थे, कितना तुम्हारे पास सामान था, कितने ताज थे जो डांस करती थी, सूर्य का, चंद्रमा का, फलाना का। अभी वो कुछ है, सब खत्म हो गया। फिर नए सिरे तुमको बताएंगे, ऐसे तो नहीं, हाँ भिन्न भिन्न प्रकार का दिखलाएंगे जरूर, क्योंकि मिरुआ मौत मलू का शिकार, उस समय पार्टीशन में भी बड़ी मिरुआ मौत थी, और तुम बच्चे वहां अपनी मौज में रहते थे।
कहाँ अपनी मौज में रहते थे, कराची में। माँ तुम्हारे को कोई दुख थोड़े ही था, अगर कोई मरता भी हो तो हम क्या जाने। चिट्ठी अगर लिखते थे ये तो मरने का है, तुमको क्या परवाह रहती है, क्योंकि तुम तो पहले ही जीते जी मर गए ना, सबको मार दिया तुमने। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो अच्छी तरह से, याद में रहो पूरा अच्छी तरह से, और पुरुषार्थ करो। हम आत्मा हैं, हम आत्मा अभी शरीर को खिलाते हैं, हम फलाने के बच्चे हैं, बस यही रूहानी बातें चलती रहे। देह अभिमान की जिस्मानी बातें सब टूट जानी है। मेहनत है ये तो बाप ही सिखलावे अच्छी तरह से। बाबा कहते हैं तुम जो फिर देखेंगे, वो जो यहाँ से आश्चर्यित भागंती हो गए, उन्होंने नहीं देखा होगा, तुम फिर ऐसे ऐसे देखेंगे। जो पास्ट हो गया सो भी समझेंगे, जो फिर नया तुम देखेंगे वो भी तुम देखेंगे, पर दूसरा कोई थोड़ा ही देख सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो बाबा सब कुछ दिखलाएंगे। अच्छे अच्छे मीठे चिल्ड्रन ऐसे जो होते हैं उनको बाप बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ घुमाते हैं, बहुत कपड़ा वपड़ा देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। ये भी तो बेहद का बाप है, सभी बता देते हैं ना, तो समझ की बात है। जो प्यारे बच्चे होते हैं उनको माता पिता से बहुत प्यार मिलता है, ये भी माता पिता है। वो माता पिता भी कहते हैं जो मेरी सर्विस अच्छी तरह से करेंगे उनको बहुत कुछ प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। तो ये बातें भूलो नहीं, यहाँ तो सामने बैठे हैं। सन्मुख कहते हो बाबा, हमको सन्मुख समझाए रहे हैं। कौन बाबा? अरे किसकी बुद्धि में कोई थोड़े ही समझेगा। हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमको स्वर्ग का वारिस बनाए रहे हैं, उसके लिए शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि बहुत गुणवान दैवी गुणों वाला बनना है। आगे तो हमारे में सब आसुरी गुण थे और सब में आसुरी गुण थे, अभी बाबा सन्मुख बैठे हैं तो ऐसे कभी नहीं ये ख्याल करना कि कोई ब्रह्मा, क्योंकि जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, तो ये ब्रह्मा तो थ्रू है, एक दलाल है, दलाल से थोड़े ही प्यार होता है। '17-'64 की वाणी का 9वां पेज। सौदा होता है, दलाल दलाली करते हैं, तो दलाल तो बीच में हुआ ना,
सौदा तो उनसे मिलता है, दलाल से नहीं। तो तुमको भी बाबा कह देते हैं कि दलालों की यहाँ कोई बात नहीं है। बाप को अच्छी तरह से याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ, कोई की भी याद नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई, मना फिर दूसरा कोई भी देहधारी नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा का एक बाप, दूसरा कोई भी देहधारी नहीं। बाबा हमको इनसे, सो ये तो हुआ दलाल। ये बाबा का पुराना बूट है, इसमें क्या रखा हुआ है? बाबा खुद भी कहते हैं ये तो पुराना बूट है। इनको भी तो ये ख्याल छोड़नी है ना, इनको है। अरे ब्रह्मा बाबा को ये ख्याल छोड़नी है ना, बाबा खुद भी कहते हैं ये तो पुराना बूट है। ये तो मैंने आ करके लोन लिया है, ऐसे कोई अक्षर थोड़े ही रखे हुए हैं गीता वगैरह में। जरूर कल पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, तब तो अभी भी कह रहे हैं ना। आज से 5000 वर्ष पहले आज गुरुवार के दिन फलानी तिथि फलानी तारीख तुमको यही समझाया था ना, फिर भी तो वो ही समझा रहा हूँ ना। देखो कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए, बिल्कुल बेहद की। बाकी बुद्धू बेचारे कुछ भी नहीं समझ सकते, बहुत है जो बेचारे कुछ नहीं समझते हैं। बाकी जो अच्छी तरह से समझेंगे तो समझू कहलावेंगे। लक्ष्मी नारायण ने जरूर कुछ अच्छी प्रारब्ध बनाई, तब तो नंबर वन में गए हैं। कोई इनको पढ़ाने वाला होगा? अभी तुम जानते हो कि पढ़ाने वाला मिला है, वो पढ़ाते हैं। फिर देखो कैसे कैसे होंगे, सत्युग में लक्ष्मी नारायण होंगे, फिर नंबर वार आएंगे, फिर उनकी दास दासियां भी होंगी। अभी तुम सब कुछ जान गए हो, प्रजा कैसे होती है, हिसाब कैसे होते हैं, कितना कितना जो बाप का सर्विस सुख खुदाई खिदमतगार बनते हैं, कहते हैं सेल्वेशन आर्मी, ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी, सारी दुनिया को सेल्वेज करने वाले, सेल्वेज देने वाला है। काहे का? मुक्ति और जीवन मुक्ति का, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। कौन? भक्ति मार्ग में सर्व का सदगति दाता किसको कहा जाता है? हैं? किसका गायन है? सर्व का सदगति दाता राम। बाबा ने समझाई दिया है ना, जीवन मुक्ति को सदगति कहा जाता है। गति में तो जरूर जाना पड़ेगा, पीछे आएंगे जीवन मुक्ति में।
समझना तो बच्चों को अच्छा है, समझाना भी ऐसे है जैसे बाप समझाते हैं, माँ समझाती है। अनन्य बच्चे समझते हैं, समझाते हैं, वो नंबरवार है। ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करके नंबरवार बनते, तो सब पुरुषार्थ की बात है। ड्रामा के ऊपर ठहर करके नहीं छोड़ देना है, खूब पुरुषार्थ करना है। हम जरूर बाप को याद करके और पिछाड़ी में ये सभी वंडर्स देखेंगे। हमने जर्मनी, अफ्रीका कुछ भी नहीं देखा। पुरानी दुनिया हम देखेंगे सारी, फिर बाबा तो बहुत बतलाएंगे। सब दिखलाएंगे तुम लोगों को। सभी जानते तो अफ्रीका में कैसे रहते हैं। बहुत हैं जिन्होंने अफ्रीका देखा ही नहीं है, ये भी नहीं जानते अफ्रीकन कौन होते हैं। आगे जब लड़ाई लगी थी तो अफ्रीकन लश्कर अमेरिका के यहाँ आए हुए थे। जब तुम लोग कराची में थे लोग वहां लेकर के बहुत आए हुए थे, बड़े अच्छे पहलवान होते हैं। कौन है, कौन पहलवान होते हैं बड़े अच्छे? अरे सुनते सुनते भूलते जा रहे, अफ्रीकन लश्कर वाले। बाबा कहते हैं क्यों नहीं बच्चे, तुमको हम पुरानी दुनिया भी सब कुछ दिखलाएंगे। जब नई दुनिया का साक्षात्कार कराता हूँ, पुरानी दुनिया थोड़ी देखी है, तो तुमको पुरानी दुनिया भी सब साक्षात्कार करा सकता हूँ। कोई कोई को कराता भी हूँ। तुम चाहो कि बाबा हमको थोड़ा अफ्रीका तो दिखलाओ, तो बच्चों को दिखला सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम अच्छी तरह से तीखे मीठे बनो, तो मैं तुमको साफ दिखलाऊंगा। 1764 की वाणी का 10वां पेज। जो बहुत मीठा बनता है उनकी खातिरी मात पिता करते हैं। ये तो एक ला है, कामन कायदा है। ऐसे नहीं होता है कि बाबा को सब बच्चे एक समान हैं। वाह, सब बच्चे एक समान नहीं हैं। तो सब बच्चे एक समान बनाए देवे क्या? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर को ये सभी स्टूडेंट एक समान हैं। हाँ, पढ़ाने के लिए एक समान है। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना है। तो तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, गॉड फादर पतित पावन लिबरेटर उसको कहा जाएगा, और गॉड फादरली चिल्ड्रेन ये कम थोड़े ही है। तुमको तो अंदर में की स्थाई खुशी का पारा बहुत चढ़ा हुआ होना चाहिए। बात मत पूछो, क्योंकि बाबा गुप्त है ना। बाबा माना बाबा,
बाबा को कोई भूलता थोड़े ही है, परंतु माया ऐसी है जो बुलाई देती है। बाकी भूलना तो कभी होता ही नहीं है, सो भी है ऐसे बाप को। वाह, लौकिक बाप को तो इतना याद करते आए, बाकी पारलौकिक बाप को एक जन्म याद नहीं कर सकते। अभी तो हमको पारलौकिक बाप को पूरा पकड़ना चाहिए, परंतु है ये बुद्धि से पकड़ने की बात। तो बुद्धि से पकड़ो बाबा को। अच्छा, अब ये बात ज्यादा मत पूछो, क्योंकि तुम मदद करते हो, ये भारत को पावन बनाने में योग से तुम बहुत मदद करते हो। भारत खास और आम सारी दुनिया, तो तुम बच्चे सारी दुनिया की सेवा करते हो। शास्त्रों में तो है नहीं तो शिव बाबा के शालिग्राम की जब कथा सुनने मंदिर में जाओ, शालिग्राम बैठे, उनको जाकर के बताओ कि शिव बाबा पतित पावन है, उनके ये शालिग्राम बच्चे हैं मददगार, जिनका ये रुद्रगान ज्ञान बनाते हैं, मिट्टी के पुतले बनाते हैं, तो महिमा होती है। ऐसे थोड़ा ही है कि आत्माओं की महिमा नहीं है, सिर्फ जानते नहीं है कोई, समझते हैं कि जरूर इनके बच्चे हैं। कुछ तो किया होगा ना, तब तो इतनी पूजा करते हैं इसकी, शालिग्रामों की। तुम सब जानते हो। अच्छा, आज भोग है सदगुरु अकाल मूर्त। अकाल माना जिनको काल नहीं खा सकते हैं। जन्म मरण में नहीं आते हैं ना, वो तो कहते हैं कि उनको काल खा गया, और वो तो बोलता है मैं अकाल हूं, मेरे को कोई काल खा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो फिर कालों का काल हूं जो सबको वापस ले जाऊंगा। अच्छा बच्ची रेडी हो? सन्मुख में सुना, पीछे तो दूर सुनेंगे, मुरली से सुनेंगे, टेप से सुनेंगे। सन्मुख की बात तो सन्मुख है, जब बाप ज्ञान का सागर है तो तुमको क्या लेंगे क्या देंगे, है ही ज्ञान का सागर। तुमको क्या मिल्कियत देंगे, ज्ञान का सागर क्या देंगे, ज्ञान ही देंगे ना, या और कुछ देंगे? बस उनके पास तो है ही ज्ञान, और ज्ञान से तुमको सब मिल जाता है। नॉलेज में ब्लिस भरी हुई है। स्कूल में नॉलेज देते हैं, उनमें ब्लिस भरी हुई है, यानी वर्षा ऐसा भरा हुआ है, पद भरा हुआ है। ये भी ऐसे ही है, नॉलेज में पद भरा हुआ है, एम ऑब्जेक्ट। ऐसे कैसे बनेगा बनेस?
वननेस फुल तो बनना मुश्किल है, ये आपस में खुद ही वननेस नहीं बनते हैं, दूसरे को ले जाते हैं वननेस बनाने के लिए। वन का राज्य हो तो वननेस हो। देखो ये है वननेस, इनमें भी अभी तलक वननेस नहीं बनते हैं, एक मत होते ही नहीं है, आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये माया कितनी दुस्तर है। भगवान आते हैं, इनको कहते हैं बच्चे एक मत हो जाओ, देवता देवता मत में आओ, यानी ऐसे दैवी गुण धारण करो, एक दो के साथ दैवी चाल चलो। कहां तो चलते हैं कोई कोई, फिर एक दो में आसुरी चाल आ जाती है। देखो यही हमारे थोड़े बच्चों में ही एक मत नहीं होती है, एक सा खीर खंड नहीं होते हैं। 1764 की वाणी का 11वां पेज, जट आपस में लून पानी हो जाते हैं, तभी तो सर्विस ढीली पड़ जाती है, नहीं तो आपस में एक बन जावे तो और क्या चाहिए। कोई कोई की तो आपस में ऐसी मतभेद खराब हो जाती है जो अज्ञानियों की भी नहीं होती होगी, तो फिर वो क्या पद पावेंगे। बाकी जो आपस में बहुत प्यार से चलते होंगे, जिनका सर्विस में ही अटेंशन होगा, अंदर बाहर साफ होंगे, तुम जानते हो ना, कोई बाहर से बड़े मीठे मीठे बैठे हैं और अंदर में बड़ी शैतानी भरी हुई है, परंतु अंदर बाहर मीठा चाहिए ना, तो सच्ची दिल उसको कहा जाता है, सच्ची दिल पर साहब जाजी, नहीं तो मुफ्त खाना खराब कर लेंगे। खाना तो आबाद करना है, अगर ऊंच पद नहीं पाया, वहां जाकर के चांडाल दूर छाई बने, तो खाना आबाद तो नहीं किया ना, वो क्या हुआ, वो तो कुछ लिया ही नहीं। बाबा आया ही है हीरा लेने, हीरा लेने आया है कि देने आया है, हैं? कोई आए हीरा लेने और उन हीरों से खाली एक पुखराज ले लिया, तो उसमें क्या होगा। बाबा तो हीरा देता है, लेना तो पूरा चाहिए पुरुषार्थ करके। अच्छा सबको याद प्यार देना, समाचार सुनाना कि आज पुरुषार्थ अनुसार ला रहे बच्चे जो पुणे और बॉम्बे के हैं, कोई कहां के हैं, तुम सब समझते हो ना। अभी ऐसे तो है कि हम जानते हैं, बाबा अंतर्यामी है सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं ला मुजीब चलना पड़े, याद प्यार भी तो भेज देना पड़े ना। ऐसे थोड़े ही समझना वो सब कुछ जानते हैं। हम यहाँ कहते हैं बाबा आपको याद प्यार दे रहे हैं,
तो वो कोई सुन लेंगे? तुम याद प्यार ले जाना, उनको जाकर के सब समाचार अच्छी तरह से सुनाना, कौन कौन आए हुए हैं, कौन कौन आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी वो बिचारी बैठी है, उनको ठीक श्रृंगार करके बिठाया, तब शांति में बैठेंगे तो इनको शांति का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। बाकी सुन तो सकेंगे नहीं, आंखों से तो खुश होती है। बच्ची जब भी जाती हो तब दीदी से पूछ करके जाओ, किसका खास याद प्यार देना है, कौन आकर के पढ़ाते हैं। ऐसे कोई पत्थर बुद्धि जो भगवान द्वारा पढ़ नहीं सकते हैं, ये वंडर है, ये सारा ड्रामा वंडरफुल। लौकिक टीचर से फिर भी कुछ पढ़ जाते हैं, यहाँ तो भगवान बैठे हैं पढ़ाने, इनसे फिर कोई ऐसा कोई वैसा पढ़ता ही नहीं। ICS का बड़ा बड़ा इम्तहान, खर्चा न होने के कारण बेचारा पढ़ नहीं सकते, यहाँ तो खर्चे की कोई बात भी नहीं है। देखो मुफ्त में भी नहीं पढ़ सकते, उनको लॉजिंग बोर्डिंग भी देते हैं तो भी नहीं पढ़ते। ये वंडरफुल बात तो देखो, क्या कहें उनको। रिकॉर्ड बजा कि तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। बच्चों को समझाए रहे हैं ना, मासूक आशिकों को समझाए रहे हैं। एक है मासूक, तुम सभी आत्माएं हो, तो ये है आत्मा का परमात्मा से मासूक से आशिकों की याद। इसमें जिस्मानी कोई बात नहीं है, जिस्मानी तो बहुत होते हैं, वो आशिक मासूक सुने है ना, कोई तो एक दो में बहुत प्रीति रखते हैं, पुरुष भी एक दो से बहुत प्रीति रखते हैं, जिसको फ्रेंड अथवा दोस्त कहते हैं। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं जो जीवन भर अपनी तोड़ निभाए सकते हैं, कोई न भी होंगे, वो एक दो में भाई भाई का जिस्मानी लग, भाई बहन का वो तो नहीं हो सकता क्योंकि है ही भाई भाई, बहन बहन का भी नहीं हो सकता है क्योंकि दो बहन अगर एक हो जाए तो फिर जरूर एक को एक के घर में जाना पड़े, दूसरे को दूसरे घर में जाना पड़े, नहीं तो दोनों को एक घर में जाना पड़े, तभी दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आशिक मासूक कोई इकट्ठे रहते हैं, नहीं, वो मिलते नहीं है। 1764 की वाणी का 12वां पेज, उनके ऊपर जो है वो उनको मिलने नहीं देते हैं, इसलिए वो तड़पते हैं। अभी ये तो कोई जिस्मानी आशिक मासूक की याद की बात तो नहीं है, ये तो है आत्माओं की, परमात्मा की याद की बात।
मुसलमान कव्वाली गाते भी हैं। आशिक है आशिक है, अरे बेचारे जानते नहीं है, वो समझते हैं हम रूह हैं और वो रूहानी बाप अल्लाह, इसलिए हमको अल्लाह से मासूकता रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत मुसलमान हैं जो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, तो जरूर अपन को तो रूह ही समझेंगे ना, उनकी रचना ही समझेंगे। परंतु उनको ये पता नहीं है कि अल्लाह है कौन, क्या चीज है, क्योंकि जिसका आशिक बनना है उनको जानना तो पूरा चाहिए ना, इसलिए न जानने के कारण कोई भी आशिक मासूक से पूरा योग नहीं लगा सकते। भले कोई और देहधारियों के साथ लग सके, बाकी ये तो सिवाय बाप के सिखलाने में अगर कोई आशिक मासूक के साथ योग लगा ही नहीं सकते। दुनिया में कोई एक भी नहीं है जो यथार्थ इससे जानता हो, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मासूक से क्या मिलेगा। वो तो कुछ मिलता ही नहीं है, मिलना है उनसे जरूर जो आप ही आकर के देते हैं और कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को शांति और सुख देने के लिए आया हुआ। तब तुम जानते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है और आता है गुप्त वेश में। तो फिर शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है शिव जयंती, एक जगह में कहां ये लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। परंतु तो साधारण बुढ़ा तन कृष्ण का तो है ही नहीं। वो भी तो नहीं हो सकता है, तो फिर वो बेचारे समझ नहीं सकते हैं कि जरूर साधारण बुढ़ा तन वृद्ध तन जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं मैं उनमें आता हूं। तो कितनी गुप्त बात हो जाती है, वो कौन होगा, किसमें होगा, अथवा आएगा, तो जब उनमें आए तब बतावे कि मैं इनमें प्रवेश कर फिर इनका नाम प्रजापिता रखता हूं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की ये कुमार कुमारियां, ये ब्राह्मण कुल के हुए। अभी कोई भी शास्त्रों में फलाना में इन बातों का कोई पता नहीं है। जिनको सन्मुख खजाने का सुख मिलता है, फिर सूक्ष्म वतन में भी तो वो खजाना मिलता है, ये सब लूट रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, फिर जाकर के दूसरे के मुख से सुनना पड़े, समझा, सन्मुख सुनना और दूसरे के मुख से सुनाना सुनना, ये तो बहुत फर्क पड़ जाता है। एक्यूरेट तो कोई बता ही नहीं सकता है, बता सकेंगे क्या, कायदा नहीं कहता है। अच्छा चलाओ बच्ची, माता पिता का बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।